हेलो गाइज दिस इज़ जान यू गैज आर वॉच आई कैन डू आज हाजिर हूँ विश के साथ विश पढ़ने जा रहे हैं हम पास्ट के अंदर लेकिन विश में हम क्या पढ़ेंगे कंडीशन पढ़ेंगे लास्ट टाइम मैंने आपको विश पढ़ाई थी और उसमें हमने एक्शन की बात की थी यानी कि एक्शन क्या होता है एक्शन वो होता है जिसके अंदर मूवमेंट होती है हरकत होती है लेकिन इसके अंदर हम क्या बात करेंगे हम किसी के प्रोफेशन किसी की क्वालिटी और किसी के प्लेस के बारे में बात करेंगे यानी कि हम ये बताएंगे कहाँ क्या कैसा देखते हैं कैसे अच्छा उससे पहले ये उर्दू में किस तरह के जुमले होंगे जिस तरह आप उर्दू में कहते हैं कि काश मैं वहाँ पे होता काश वो घर पे होती मिसाल के तौर पर आप किसी से मिलने उसके घर गए और आप वहाँ पे गए वहाँ से होके वापस आ गए आप बड़े परेशान थे मैंने आपसे पूछा क्या हुआ आपकी मुलाकात नहीं हुई तो आप मुझे कहते हैं नहीं यार मेरी मुलाकात नहीं हुई काश वो घर पे होती आप जब गए थे तो वो घर पे नहीं थी तो इसलिए आपने कहा काश वो घर पे होती तो जब आप गए थे वो घर पे नहीं थे इसलिए अभी आप ये कह रहे हैं कि काश वो वहाँ पे होती तो जब आप गए थे शिव नॉट दे तो वो वहाँ पे नहीं थी शुक्र है वो वहाँ पे नहीं थी अगर होती पता नहीं क्या होता एनी चलते हैं सबसे पहले आई विश हमने वही इस्तेमाल किया आई विश उसके बाद आपने गाइज इस्तेमाल करना है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लेकिन ये कंडीशन है आपने यूज करना है सब्जेक्ट दैट इज़ आई उसके बाद आपने सब के साथ यूज करना हैड बिन क्या यूज करना है दिस इज कंडीशन अच्छा उसके बाद आपने एडजेक्टिव या नाउन इस्तेमाल करना मैंने नाउन इस्तेमाल किया दैट इज़ होम तो हमारा जुमला बन गया आई विश आई हैड बिन एट होम काश मैं घर पे होता मिसाल के तौर पर मुझसे कोई मिलने आया था और मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था रात को मैं जब घर पे आता हूँ तो मुझे घर से बताते हैं कि आपसे कोई मिलने आया था तो मैं नाम पूछता हूँ कौन तो आप वो तो घर वाले मुझे नाम बताते हैं कि इस नाम का बंदा आपसे मिलने आया था मैं कहता हूँ ओ माय गॉड काश मैं घर पे होता तो जब वो आया था तो उस वक्त मैं घर पे नहीं था इसलिए मैंने कहा काश मैं घर पे होता वंस अगेन आई विश मैंने वही यूज़ किया आई विश उसके बाद सब्जेक्ट दैट इज शी उसके बाद आपने सबके साथ हैडबेन यूज करना है मैंने वही यूज़ किया हैडबिन उसके बाद इधर एडजेक्टिव और नाउन मैंने एडजेक्टिव यूज किया दैट इज सीरियस तो मेरे जुमला बन गया आई विश शी हैडबेन सीरियस काश वो सीरियस होती तो वो सीरियस नहीं थी इसलिए अभी मैंने कहा कि काश वो सीरियस होती मिसाल के तौर पर मैं रस्ते से जा रहा था अपने दोस्त के साथ तो मुझे कोई ऐसी बंदी या ऐसा बंदा मिलता है जो पहले पुराने टाइम में, में मेरे साथ सीरियस नहीं था तो मैं उसे देख कर कहता हूँ यार काश ये मेरे साथ सीरियस होता तो ही वॉज नॉट सीरियस एट दैट टाइम तो वो उस वक्त सीरियस नहीं था इसलिए मेरा जुमला ये है उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी अच्छा गैस अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं आपने हैड के साथ नॉट का इस्तेमाल करना है तो क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा मिसाल के तौर पर अगर मैं पहले जुमले को चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा आई विश आई हैड नॉट बिन एट होम काश में घर पे ना होता काश वो वहाँ ना होती आई विश हैड नॉट बिन देर

Na hota. So that uh, we could go here and there, and we were able to take pictures and whatever we wanted to do. So we had a chance to do, but unfortunately, that person was there. We were not able to do such sort of things. All right, guys, that you, okay, just you need to follow this formula and you can make countless sentences. So try yourself. I hope you can do because you guys are genius. You video. Then. Allah and for us, Thank you.